गुड आफ्टरनून सलाम सत श्री अकाल वैसे तो वीजे आप ह्यूमन राइट के ब्रिटिश नागरिकता के या होर असाइलम के या कोई भी वीजे लगते रहते हैं ठीक है लेकिन अज एक नौजवान का जो इंडिया तो आया सी स्टूडेंट वीजे का सपना लैके अपनी स्टडी के नाल नाल वर्क परमिट अज इसका लग्या इंपलॉयर ढूंढिया असं इस कंपनी का स्पोंसर लाइसेंस अपलाई किया स्पोंसर लाइसेंस लैने तो लैके वर्क परमिट लगने का जो सफर आ मैं चाहता कि यह नौजवान ये अपना साड़ा भाई बाकी जो स्टूडेंट कम्यूनिटी के अंदर यह मैसेज पहुँचावे कि यह सपने भी साकार होंगे विदाउट पेइंग एनी एक्सट्रा कॉस्ट एक जेन्युइन फीस दे के अपनी स्किल के लैवल से इंपलॉय ढूंढ के इसका किस तरह वर्क परमिट लग्या या यदि फैमिली स्टूडेंट से वो किस तरह यह सफलता उन्होंने मिली तो बाकी सब तो पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन ये तुम्हारा वर्क परमिट का कन्फर्मेशन आ जो असं स्किल वर्कर वीजा भी कहने ये तुम्हारी जी मिठाई आ जी स्वीट्स हैगी रश थैंक यू भी ठीक है तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन भाजी तो मैं चाहता कि तुम अपनी जुबानी दसो लोगों को कि किस तरह सिटी लॉ प्रैक्टिस ने या जबैर शी सलिस्टर ने या साड़ी टीम ने तुम्हारी हेल्प की थैंक यू भाजी सत श्री अकाल सारे मेरा नाम बूटा सिंह आ मैं भाजी को जनवरी 2021 से आया सी ठीक है अपने वर्क परमिट लैके वो जो पीरियड से मेरे को सिर्फ 6 महीने का वीजा मेरा 5 जून को वीजा एक्सपायर हो रहा है मैं अपना लाइसेंस अप्लाई करना COS लेना सी Tier 2 तक कन्वर्ट करना सी बट थोड़ी प्रॉब्लम करके मैं इंडिया जाना पे मेरे को टाइम जस्ट 1 महीने का रह गया सी फिर मैं भाजी को आया अप्रैल च भाजी ने फिर मेरा लाइसेंस अप्लाई किया लाइसेंस होने लगे सू 3 to 4 months लग गए ठीक है फिर मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है तो वीजे तो मैं लीगल रैली मैं अपना पहला फी वेवर अप्लाई किया 4 जून फी वेवर का रिस्पोंस आया बाबे ने उत्थे मेल की मेरी हाफ पार्शली फीस माफ हो गई और तो बाद भाजी ने मेरा फिर फर्दर लिफ्ट टू रिमेन लाया फर्दर लिफ्ट टू रिमेन तो बाद मैं 2 weeks के अंदर अपनी फाइल का वेरिएशन किया अज बाबे ने मेल की आफ्टर 4 months आई गॉट माई वीजा तो थैंक यू सिटी लॉ प्रैक्टिस सॉलिसिटर का जुबेर भाजी का हरून भाई का जिन्हें मैंने बहुत हेल्प की वीजे लिए ठीक है मैं आ सुजैसट कराँगा जिन्होंने भी अगर Tier 2 का वीजा लवाना है PSW लवाना है या इंडिया तो किसी को सदना है मैं सुजैस कराँगा सिटी लॉ प्रैक्टिस को जुबेर भाजी को लोन कोई बिल्कुल जेन्युइन बंदे आ कोई एक्सट्रा फीस नहीं कोई कुछ नहीं बिल्कुल जेन्युइन खर्चे च मेरा काम होया है मैं अपने वालों दिलों करियर बन गया जो स्टूडेंट साढ़े भैन भाई आते हैं इंडिया पाकिस्तान जितों भी इनफैक्ट दुनिया के कंट्रिया तो आते स्टडी प्रॉपर तरीके करन नंबर 2 कम ना पवन स्टडी कोशिश करो कि कंप्लीट हो कंप्लीट करके इंपलॉयर ढूंढन ओबियसली तुम्हारा स्किल हो तो आपने मिल जाता तो चंगे बंद को जावन साढ़े को आवन जोड़े भी जो बंद सही काम करते तो अज उन्हों का भी सपना भाजी की तरह स्वीकार हो सकता तो मेरी तरफों सारे स्टूडेंट को यही अर्जी आ अगर तुम अपने देशों तो पढ़ने आते हो प्लीज़ स्टडी करो स्टडी करके वर्क परमिट मिल सकते वर्क परमिट मिल के 5 साल बाद पक्के हो सकते तुम भी ब्रिटिश बन सकते तुम्हारे बच्चे भी इतने एक नवा भविष्य एक करियर स्टार्ट कर सकते तो गुड लक भाजी थैंक यू।